मॉर्निंग इफ्सा के एजुकेशनल चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में शिक्षक शिक्षिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूंगी। शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे देश के निर्माता होते हैं। अच्छे अध्यापक वो होते हैं जिनमें बुद्धिमानी, कौशल, समझदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ के गुण होते हैं। अच्छे गुण भारत सरकार टीचर के ये अच्छे गुण भारत सरकार ने हु सक्सीड एज अ टीचर नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। लेकिन हमारे देश के शिक्षक शिक्षिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहने का कारण जो है वो उनके घर की स्थिति एवं उनके विद्यालय की स्थिति के कारण होता है। ये हमेशा मानसिक रूप से बाधित होते रहते हैं। उनके मानसिक रूप से बाधित करने में ये जो दो कारण है बहुत अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश में शिक्षक शिक्षिका आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं जहाँ पर उनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती, कलह की भावना ज्यादा रहती है जिसके कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत सारी चिंताओं का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उनके विद्यालय का भी माहौल अच्छा नहीं रहता जिसके कारण उनमें मानसिक अस्वस्थता आ जाती है। विद्यालय में नौकरी में असुरक्षा की भावना रहती है। साथ ही उन्हें रहते शैक्षिक सामग्री भी नहीं रहती, उनके साथ अच्छे व्यवहार भी नहीं होते, वेतन की भी कमी होती है। साथ ही साथ उनमें सामाजिक कार्यों में जिसके कारण वो सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते क्योंकि समाज के लोग इस अध्यापकों को मतलब वैल्यू नहीं देते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं के मानसिक अस्वस्थता को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें नौकरी में सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हें अच्छी प्रशिक्षण देनी चाहिए जिससे वो बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा सके, उनके वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। उनके वेतन में जब वृद्धि होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी और समाज के अन्य वर्गों के साथ उनका तालमेल अच्छा हो जाएगा। उनके दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं लगभग समाप्त हो जाएंगी। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उन्हें मनोरंजन के साधन देने चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि स्कूल में सभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करें, उनका व्यवहार जो है सभी लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, समाज के कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, उन्हें मदद भी करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें अन्य सुविधाएं भी देनी चाहिए जैसे हॉस्पिटल वगैरह की, उनकी रहने की, ये सब आवास की रहने के लिए तो उनकी सुविधा देनी चाहिए, उन्हें अध्यापन की सामग्री की भी सुविधा देनी चाहिए। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को दूर करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, उन्हें सुस्ती से दूर रहना चाहिए। अगर वो पढ़ाने में अच्छे हैं, अध्यापन करने में अच्छे हैं मगर वो बहुत ज्यादा लेजी रहते हैं तो हंसी के पात्र, छात्रों के बीच हंसी के पात्र बनते हैं। कर्तव्य प्रांता में अहम नहीं होने चाहिए। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक हैं तो उसमें उन्हें अहम नहीं होना चाहिए, वो कर्तव्य को ही अपना पुरस्कार करे। वो इस चीज को वैल्यू नहीं दे कि हमें कब पुरस्कार मिलेगा, उस समय का इंतजार न करे, वो अपना सिर्फ काम करते रहे। अपने को विद्यार्थी समझना चाहिए और छात्रों के साथ अच्छे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें प्राचीन गुरुओं की परंपराओं को मानना चाहिए। विद्यालय में जैसा भी वातावरण हो उसके अनुसार उन्हें बदल जाना चाहिए। अपने अन्य टीचरों के साथ उन्हें अच्छे व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपनी चिंताओं से, घर की चिंताओं से मुक्त होकर बच्चों के साथ घुल मिलकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। नौकरी में असुरक्षा की भावना रहती है। साथ ही उन्हें मॉर्निंग इफ्सा के एजुकेशनल चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में शिक्षक शिक्षिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूंगी। शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे देश के निर्माता होते हैं। अच्छे अध्यापक वो होते हैं जिनमें बुद्धिमानी, कौशल, समझदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ के गुण होते हैं। अच्छे गुण भारत सरकार टीचर के ये अच्छे गुण भारत सरकार ने हु सक्सीड एज अ टीचर नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। लेकिन हमारे देश के शिक्षक शिक्षिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहने का कारण जो है वो उनके घर की स्थिति एवं उनके विद्यालय की स्थिति के कारण होता है। ये हमेशा मानसिक रूप से बाधित होते रहते हैं। उनके मानसिक रूप से बाधित करने में ये जो दो कारण है बहुत अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश में शिक्षक शिक्षिका आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं
जहाँ पर उनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती है, कलह की भावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत सारी चिंताओं का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उनके विद्यालय का भी माहौल अच्छा नहीं रहता, जिसके कारण उनमें मानसिक अस्वस्थता आ जाती है। विद्यालय में